है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। आशा आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो वैसे पता है कल मेरा फ़ोन फ्रिज के ऊपर से गिर गया था और गिरने के बाद डिस्प्ले बाहर आ गया था। सब ठीक है, बस इसका है ना कि डिस्प्ले निकल गया था बाहर, तो ये खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये ग्लू लगा के इसको चिपकाया है मोबाइल वाले ने, तो अभी जब ये सूख जाएगा तब मैं इसको निकालूंगी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। शुक्र है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और डर के वजह से मैंने जल्दी से फोन ले गई दुकान वाले के पास और फिर मैंने ठीक कराया, वरना अगर घर में पता चल जाता तो डांट पड़ जाती। लेकिन ये है कि पता चल गया, लेकिन ठीक हो गया उसके बाद पता चला, वरना उसी टाइम मुझे डांट पड़ जाती। देखो, इतने सारे रबड़ मोबाइल में लगे हुए थे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, तो डिस्प्ले है इसका वो अच्छे से चिपक जाए। तो अब चिपक चुका है तो मैं इसको निकाल दी हूँ। वैसे आज मेरी कंप्यूटर क्लास है, आज मुझे कंप्यूटर क्लास जाना पड़ेगा। कल भी थी बट मैं कल नहीं गई। क्या है ना कि एक दो दिन मुझे छुट्टी मिल जाती है ना, तो पता नहीं अपने आप ही एक एक्स्ट्रा छुट्टी करने का मन करने लगता है। फिर मैंने कल छुट्टी कर लिया, आज तो जाना पड़ेगा। देखती हूँ नीचे क्या हो रहा है। अभी तो चलते हैं नीचे। तो देखो सुबह सुबह तीनों कैसे मोबाइल में घुसे हुए हैं खाना छोड़ के। और खाना किसका है? इसका है, खा ले। उसको मैंने बोला था। तो देखो ये सामने वाला कमरा कल खाली हो गया था। ये पूरा कमरा खाली हो गया। सन्नाटा हो गया, ये कमरा खाली हुआ है कल से। तो दोस्तों से ये कमरा खाली हो चुका है, जिसको भी लेना है आके ले सकता है। तो देखो भाई की मम्मी कॉइल बना रही हैं। तो मैं चलती हूँ अपने कमरे में, जो थोड़ा बहुत काम रह रहा है उसको करके फिर रेडी होके जाऊंगी कंप्यूटर क्लास। जल्दी पहुँच जाऊंगी, नहीं तो कल नहीं गई और आज अगर लेट जाऊंगी तो टक पड़ जाऊंगी। तो मैं आ गई अपने कमरे में, तो जल्दी से सारा काम तो वैसे हो गया है मेरा, बस थोड़े से बर्तन है वो धो के फिर जाऊँ रेडी होने। तो मैंने बर्तन भी धो लिया है और देखो मेरा टैडी कैसे मुरझाया हुआ बैठा है। तो मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन ये फिर से ऐसे हो रहा है। क्या है ना कि इसका पेट खाली हो गया है, इसका पेट भरना पड़ेगा रुई से, क्योंकि खाना तो ये खाता नहीं है। इसको रुई भरना पड़ेगा तभी ये टाइट हो गया, इसका पेट ढीला हो गया। तो मैं चलते हैं छत पे क्योंकि मेरा टॉप छत पर है। भाई साहब इतनी धूप हो रही है। हाँ, पड़ा हुआ है मेरा कपड़ा, गिरा पड़ा है हवा से। हाँ देखा, हमारा झंडा ऐसे लहरा रहा है। आ गए मैं अपने कमरे में। बहुत धूप थी यार ऊपर, धूप से आने के बाद नीचे आओ तो कैसे अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, वैसे ही मुझे दिख रहा है अभी। तो मैं रेडी होके आती हूँ, और अब जा रही हूँ कंप्यूटर क्लास। तो मैं अपना पहले आईडी कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या है कि मेरा ये जो आईडी कार्ड है ये 2 दिन से कूलर से बाहर रखा हुआ था और मुझे पता भी नहीं था, और इसके बिना तो एंट्री भी नहीं है, तो इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कंप्यूटर क्लास जाने के लिए रेडी हूँ और सबसे पहले आईडी कार्ड डाल देती हूँ। तो मैंने आईडी कार्ड डाल लिया है, तो चलती हूँ वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं क्लास में पहुँच गई हूँ और देखो ये मेरा पीसी है और मैं हमेशा इसी पीसी को यूज़ करती हूँ। तो मैं पावर पॉइंट पे ये बना रही थी, ये देखो। बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा है। तो मैं घर पहुंच गई
और ये आई कार्ड निकाल देती हूँ। अब चलती हूँ खाना खाने के लिए। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर बच्चे आ गए पढ़ने, फिर मैंने बच्चों को पढ़ा दिया। और अभी अभिषेक लेके आए हैं कंप्यूटर की बुक, क्योंकि इसके सब्जेक्ट में भी कंप्यूटर है, तो इसलिए कंप्यूटर की बुक लाया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ूंगी, फिर देखती हूँ इसमें कुछ नया है कि नहीं। तो देखो ये कंप्यूटर की इसकी बुक है, इसमें MS Excel का सारा बता रखा है। देखो पाई चार्ट वगैरह है, ये देखो स्प्रेडशीट है। तो बुक तो देखने में अच्छी लग रही है, पढ़ने में कैसा लगेगा वो पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।